वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आज मैं बताने वाला हूं मेमोरी कार्ड के बारे में। मेमोरी कार्ड कौन सा मेमोरी कार्ड आपको लेना चाहिए। मार्केट में ढेर सारे मेमोरी कार्ड है, क्लास 2, क्लास 4, क्लास 9। लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कौन सा ना ले। कभी कभार तो कोई मेमोरी कार्ड खरीद लेता है, खरीदने के बाद पता चलता है यार आपके तो डिवाइस में कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हो पूरा डिटेल्स में मेमोरी कार्ड कैसे काम करता है, कौन सा मेमोरी कार्ड आपको खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना नहीं चाहिए, टोटल अगर जानना चाहते हो तो वीडियो देखते रहिए। आप देख रहे हो हाजरा लाइव। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए मेमोरी कार्ड कौन से टाइप का होता है, मतलब कितने टाइप का होता है। नॉर्मली मेमोरी कार्ड होता है 4 टाइप का। सबसे पहले माइक्रो यूएसडी, उसके बाद माइक्रो यूएसडी एचसी, उसके बाद होता है माइक्रो यूएसडी एक्ससी, उसके बाद होता है माइक्रो यूएसडी एक्ससी, और आखिरी में होता है माइक्रो यूएसडी यूसी। ये चारों तरह का मेमोरी कार्ड यूसी मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। बाकी सारे मेमोरी कार्ड आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो यूएसडी के बारे में। माइक्रो यूएसडी नॉर्मली 2 GB का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। दूसरे मेमोरी कार्ड के बारे में बात करते हो माइक्रो यूएसडी एचसी, ये होता है नॉर्मली 2 GB से 32 GB तक, तो इससे ज्यादा ये माइक्रो यूएसडी एचसी नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो यूएसडी एक्ससी, ये मेमोरी होता है 32 GB से लेके 2 TB। 2 TB मीन टीबी, हम जो कहते हैं नॉर्मली कहते हैं टीबी टेराबाइट, और जो MB कहते हैं मेगाबाइट। अगर कहीं पे भी ये टर्म आप सुन लेते हो, MB मतलब मेगाबाइट और टीबी मतलब, तो ये आप समझ गए होंगे। और आखिरी जो बात करते हैं, आखिरी जो मेमोरी कार्ड है जो बहुत ज्यादा आप मार्केट में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत रियल नहीं मिलेगा, 2 TB से 120 TB। तो आई होप ये समझ गए होंगे जो किसी टाइप कौन सा टाइप का मेमोरी कार्ड आता है। इसमें अगर आप जब खरीदने जाओगे तो देखोगे बहुत सारे मेमोरी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, तो आप ये सारे चेक करके आप देख सकते हो। और मार्केट में बहुत सारे मतलब फेक मेमोरी कार्ड भी बिकता है, जो आप रास्ते में जाओगे देखो कि मेट्रो स्टेशन के आसपास देखोगे बहुत सारे लोग मतलब बेचता है, या फिर ठेला लगा के कोई बेचता है, तो उससे मत लो। और जितना हो सके कोई दुकान या कोई रिलेबल सोर्स से माइक्रो यूएसबी कार्ड लो। और आप देखोगे मार्केट में जब खरीदने जाओगे बोले क्लास 2 का, क्लास 4 का, क्लास 10 का, बहुत सारे ऐसे नंबर आपको दिख सकता है। ये सारे होता है मतलब आपके जो माइक्रो यूएसडी कार्ड है उसका स्पीड डिपेंड करता है, वो सारे स्पीड के ऊपर क्लास होता है। तो आपको कौन सा क्लास का लेना चाहिए। और एक आता है U1 U3, ये भी सारे मतलब इसको कंबाइन करके इसको भी एक अलग से देखा जाता है। जो डेटा ट्रांसफर होता है, रीड और राइट जो होता है उसको डिपेंड करके ये सारे नंबर बनाया जाता है। और बहुत सारे आप नंबर देखोगे A1 A2, ऐसे भी नंबर आपको मेमोरी कार्ड खरीदने जाओ तो देख सकते हो। तो ये भी सारे जो स्पीड को मैटर करते हैं सारे। और नॉर्मली आप मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे मेमोरी कार्ड में लिखा होगा V6 V10 V19, ये क्या होता है। V6 मीन इसमें जो डेटा ट्रांसफर कर पाओगे 6 MB/s, और V10 में 10 MB/s, ये सारे मैटर होता है। और ये भी बहुत डिपेंड करता है आपका कौन सा डिवाइस से आप यूज कर रहे हो। और ये जो सारे नंबर है मतलब एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं देता है, आपके मतलब डिवाइस कैसा है, इतना स्पीड को क्या वो संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता, या फिर बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है फिर लगा रहे हो तो इतना ज़्यादा स्पीड नहीं देगा। तो ये बहुत सारे चीज़ मैटर करता है। ये जो सारे जैसे जैसे आप बाइक लेने जाओगे तो देखोगे 180 cc का, 150 cc का, तो ये क्या होता है, बेब ऐसा ही है, इसका जो हाईएस्ट जो स्पीड है वही है। ये जो मेमोरी कार्ड में नंबर दिया है ये सारे बेस्ट जो आपके परफॉर्मेंस का नंबर दिया हुआ है। तो आपको कौन सा लेना चाहिए। नॉर्मली अगर 4K का वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको U3 का मेमोरी कार्ड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यूज करोगे जब नहीं तो देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आपके डिवाइस देखो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे सारे मतलब इसको अच्छी तरह से रीड राइट नहीं कर पा रहा है, आपका जो सिस्टम और आपका मेमोरी कार्ड सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। और नॉर्मल अगर HD आप वीडियो शूट करना चाहते हो, कम से कम क्लास 6 से क्लास 10 तक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। और आपको आपके अगर दूसरा कुछ काम है तो आपका मतलब आपके जो डिवाइस है उसको देखिए अच्छी तरह से कौन सा कंफर्टेबल है, तो ये सारे जो नंबर है अच्छे से ध्यान रखिए। और आपके डिवाइस जिस पे कंफर्टेबल है, जैसे मेरा जो फोन यूज कर रहा हूँ क्लास 6 का, ये इसमें चल जाएगा, अगर क्लास 10 का लूंगा फिर भी चल जाएगा। और कुछ कुछ जैसे नॉर्मल पुराने फोन होगा कैपेसिटी 32 GB का है और मैं 120 का मेमोरी कार्ड खरीद लेता हूँ, खरीद के लगा देता हूँ तो नहीं चलेगा। तो इसी तरह का होता है,
तो आप अच्छी तरह से आपके अगर फोन यूज कर रहे हो या फिर कैमरा यूज कर रहे हो उसका डिटेल्स में जाइए, चेक कीजिए कौन सा मेमोरी कार्ड कंफर्टेबल है, तो उसके हिसाब से आप मेमोरी कार्ड खरीद सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर इसी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, तो नहीं तो नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा नहीं। आई होप आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।